दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था कि कैसे बिग बैंग थ्योरी हमारे यूनिवर्स के जन्म की व्याख्या करती है, जिसमें हमने बिग बैंग थ्योरी से जुड़े यूनिवर्स में मौजूद कुछ सबूत भी देखे। बिग बैंग थ्योरी में हमने जाना था कि कैसे हमारे इस विशाल यूनिवर्स की शुरुआत एक छोटे से पॉइंट में हुए तेज विस्तार से हुई, जिसका आकार एक परमाणु जितना था। बट आई एम श्योर कि यहां से आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर कैसे एक छोटे से पॉइंट में हुए एक्सपेंशन से इतने बड़े यूनिवर्स का निर्माण हो सकता है, और आखिर वो छोटा सा पॉइंट क्या था, वो पॉइंट कहां से आया, और उससे भी बड़ा सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था। दोस्तों, आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अर्पित द्विवेदी, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पहले हमें समझना होगा कि आखिर यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स केवल इतना नहीं है जितना कि हम इसे अपने आसपास पाते हैं। हमारा यूनिवर्स इससे कहीं बहुत ज्यादा है। हमारे यूनिवर्स की शुरुआत बेशक एक छोटे से बिंदु से हुई हो, पर आज हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट दूरियों तक फैला हुआ है, जिसका अभी हम इंसान एक बहुत छोटा सा ही हिस्सा देख पाते हैं। हम केवल 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक की ही दूरी तक यूनिवर्स को देख पाए हैं, जिसे कॉस्मोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। कॉस्मोलॉजिस्ट की माने तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हो सकती हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर का यूनिवर्स कैसा है, इसके बारे में एस्ट्रोनॉमर्स को अभी कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों, अभी तक अपने यूनिवर्स के बारे में हमने जो कुछ जाना है, उसमें से सभी सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि यूनिवर्स का जन्म एक छोटे से बिंदु, जिसे कि सिंगुलैरिटी कहते हैं, में हुए एक्सपेंशन की वजह से हुआ था। इस एक्सपेंशन के कारण ही हमारे आसपास मौजूद सभी मैटर, यूनिवर्स के लॉज और यहां तक कि स्पेस का निर्माण भी हुआ था। बिग बैंग के बाद स्पेस का जो फैलाव शुरू हुआ था, इस दौरान सेकंड के एक बेहद छोटे से हिस्से के दौरान यूनिवर्स विस्तार के एक बेहद तेज दौर से गुजरा था। ये फैलाव जब शुरू हुआ, तब हमारा यूनिवर्स केवल 10^-36 सेकेंड्स पुराना था, और जब ये फैलाव खत्म हुआ, तब हमारे यूनिवर्स को 10^-32 सेकेंड्स ही हुए थे। इस छोटे से समय में हमारा यूनिवर्स 10^26 टाइम्स बड़ा हो चुका था। आपको ये समय छोटा सा लग रहा हो, पर इस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर ही हमारा यूनिवर्स आकार में एक प्रोटॉन के खरबवें हिस्से से बढ़कर एक टेबल टेनिस की बॉल जितना बड़ा हो गया था। एक्सपेंशन की ये स्पीड लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा थी। छोटे समय में हुए इस तेज विस्तार को हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे एक छोटे से सिंगुलैरिटी से इतने बड़े यूनिवर्स का निर्माण हुआ, और आखिर वो सिंगुलैरिटी क्या था। साइंटिस्ट अभी तक इसका कोई साइंटिफिकली प्रूव्ड एविडेंस तो नहीं ढूंढ पाए हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, पर कई एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, जो कि हमें बिग बैंग से पहले क्या मौजूद हो सकता है, इसकी एक संभावना बताती हैं। इनमें से ज्यादातर थ्योरी यूनिवर्स के जन्म को ब्लैक होल, व्हाइट होल और इस तरह के कई कॉन्सेप्ट से जोड़ती हैं, जिनको वेरीफाई करना लगभग नामुमकिन है, और यही कारण है कि इन थ्योरीज को साइंटिफिकली एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। पर एक थ्योरी ऐसी है जो कि बिग बैंग से जुड़े कई सवालों का जवाब देती है, जिसमें बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग क्यों हुआ, ये सभी सवाल शामिल हैं। इस थ्योरी का नाम है द इन्फ्लेशन थ्योरी। वैसे इन्फ्लेशन थ्योरी भी मल्टीवर्स जैसे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती है, लेकिन यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि इन्फ्लेशन थ्योरी इन मल्टीवर्स के ओरिजिन और हमारे यूनिवर्स के बिग बैंग को भी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, और बिग बैंग से जुड़े हमारे लगभग सभी सवालों का जवाब देती है, जिसके कारण इस थ्योरी पर एस्ट्रोफिजिसिस्ट का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन्फ्लेशन थ्योरी के बारे में और आखिर कैसे ये हमारे यूनिवर्स के जन्म को एक्सप्लेन करती है। इन्फ्लेशन थ्योरी को 80 के दशक में एलन गूथ समेत कुछ वैज्ञानिकों ने प्रपोज किया था। इस थ्योरी पर इसके बाद कई और फिजिसिस्ट ने भी काम किया और इसको डेवलप करके कई तरह की इन्फ्लेशन थ्योरीज बनाई, जिनमें से दो तरह की इन्फ्लेशन थ्योरीज सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं, जिसमें से पहली थ्योरी है काइटिक इन्फ्लेशन थ्योरी, जिसे मशहूर फिजिसिस्ट एंड्रे लिंडे ने दिया था, और दूसरी है इटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी, जिसे मशहूर फिजिसिस्ट पॉल स्टेनहर्ट ने एलन गूथ की इन्फ्लेशन थ्योरी को डेवलप करते हुए दिया था। दोस्तों, इन्फ्लेशन थ्योरी के अनुसार बिग बैंग का जन्म स्पेस के नॉन जीरो वैक्यूम में क्वांटम फील्ड एनर्जी फ्लक्चुएशंस के कारण हुआ था। इस तरह के क्वांटम फील्ड को स्केलर फील्ड कहा जाता है। अगर यूनिवर्स के जन्म की इन्फ्लेशन थ्योरी सही है, तो वास्तव में हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीवर्स बबल के बीच मौजूद एक बबल यूनिवर्स है। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। जैसा कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी हमें बताती है कि हमारा यूनिवर्स जन्म के एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बेहद तेज विस्तार से गुजरा था। इन्फ्लेशन थ्योरी इसी तेज विस्तार के कारण को एक्सप्लेन करती है।
इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है कि स्पेस में ये तेज विस्तार स्केलर फील्ड नाम के एक अनस्टेबल क्वांटम फील्ड में निगेटिव प्रेशर के चलते होता है। स्केलर फील्ड हाईली अनस्टेबल होता है, जिसमें एनर्जी एक्सट्रीम डेंसिटी में मौजूद होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नहीं होता बल्कि रिपल्सिव होता है। ये ताकतवर रिपल्सिव फोर्स ही स्पेस को तेजी से फैलने के लिए मजबूर करता है। स्पेस में ये फैलाव लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल होता है, और स्पेस के फैलने की ये गति लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन ये फैलाव सभी जगह एक जैसा नहीं होता। स्केलर फील्ड के अनस्टेबल होने के कारण ये अदर फील्ड्स एंड पार्टिकल्स के रूप में एनर्जी लूज करता रहता है और रैंडम पैचेस में डीके होता रहता है। डीके होने की वजह से ये पैचेस पहले के मुकाबले लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, इसलिए इनमें इन्फ्लेशन रेट यानी स्पेस के फैलने की गति कम होती जाती है, और अब ये पहले के मुकाबले काफ़ी धीमी गति से फैलते हैं, जबकि इनके आसपास का स्पेस पहले की तरह तेजी से फैलता रहता है, और इस तरह एक बबल यूनिवर्स फॉर्म होता है। इसी तरह लो वैक्यूम एनर्जी रीजन में माइक्रोस्कोपिक बबल यूनिवर्स बनते हैं और फैलना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में तो उनका साइज माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही होता है, लेकिन समय के साथ ये फैलते फैलते हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी कई गुना बड़े हो जाते हैं। शायद अब आपको भी समझ आ रहा होगा कि इसी को ही हम बिग बैंग कहते हैं, और इन्फ्लेशन थ्योरी की माने तो इसी तरह से हमारे यूनिवर्स की भी शुरुआत हुई होगी। इन बबल यूनिवर्स का इंटीरियर एक नया लोकल बिग बैंग होता है। इस तरह के हर बबल में नए यूनिवर्स का निर्माण होता है, जो समय के साथ लगातार फैलता रहता है। इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक हमारे यूनिवर्स के बाहर और भी अनगिनत बबल यूनिवर्स मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब ये सभी यूनिवर्स लगातार एक बबल के रूप में फैल रहे हैं तो ये आपस में टकरा क्यों नहीं जाते। इसका जवाब यह है कि जब नए बबल यूनिवर्स का निर्माण होता है तो इन यूनिवर्स के बीच मौजूद क्वांटम रीजन्स, जो कि अभी तक डीके नहीं हुए हैं, वो भी हाई एनर्जी डेंसिटी से पैदा होने वाली रिपल्सिव ग्रेविटी के कारण और भी तेजी से फैलने लगते हैं, जिसके कारण सभी बबल यूनिवर्स के बीच और भी ज़्यादा स्पेस बनता चला जाता है। इस दौरान क्वांटम फ्लक्चुएशंस के कारण स्पेस के फैलने की स्पीड बबल यूनिवर्स के फैलने की स्पीड से भी कई गुना ज़्यादा तेज होती है, जिसके बाद बने इस स्पेस के अंदर भी कई अलग अलग स्केलर फील्ड बनते हैं, जिसमें हाई एनर्जी डेंसिटी रीजन बनते हैं, जिसका मतलब है कि और कई बबल यूनिवर्स का निर्माण और बिग बैंग। यानी ये इन्फ्लेशन का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता और हमेशा चलता रहता है, इसीलिए इसे इटर्नल इन्फ्लेशन कहते हैं। इटर्नल इन्फ्लेशन प्रोसेस के कारण हमें बबल यूनिवर्स जैसे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मिलता है, जिसमें लगातार बनते नए स्पेस में नए नए यूनिवर्स स्प्राउट होते रहते हैं, और इन यूनिवर्स के अंदर भी स्पेस में रिलेटिवली स्लो इन्फ्लेशन होता रहता है। इन्फ्लेशन का ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, जिसमें इन्फ्लेटिंग एंड पोस्ट इन्फ्लेटिंग रीजंस हमेशा मौजूद रहते हैं। दोस्तों, इन्फ्लेशन थ्योरी हमें बताती है कि यूनिवर्स के जन्म होने के बाद क्वांटम फील्ड, जिसे हम हिग्स फील्ड भी कहते हैं, वहां मौजूद हाई डेंसिटी क्वांटम फ्लक्चुएशन एनर्जी को बबल यूनिवर्स के जन्म के तुरंत बाद ही पार्टिकल्स में बदल देता है, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और यही बिग बैंग को जन्म देती है। यानी इन्फ्लेशन थ्योरी हमें बताती है कि यूनिवर्स के जन्म के बाद क्वांटम फील्ड में हुआ बिग बैंग एनर्जी के पार्टिकल में बदलने के कारण होता है, और इस दौरान क्वांटम फील्ड में मौजूद एनर्जी सेकंड के भी बहुत ही छोटे से हिस्से में मैटर में बदल जाती है। हमारे यूनिवर्स में भी इन्फ्लेशन के दौरान क्वांटम फील्ड एनर्जी से हॉट डेंस प्लाज्मा जनरेट हुआ, जो समय के साथ धीरे धीरे ठंडा हुआ और पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में बदलने लगा, जिसके बाद ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू किया और यूनिवर्स में स्टार्स एंड गैलेक्सीज का जन्म हुआ। कॉस्मिक इन्फ्लेशन न केवल स्पेस क्रिएट करता है, बल्कि यूनिवर्स में मौजूद मैटर को भी कॉस्मिक स्केल पर स्प्रेड कर देता है। इन्फ्लेशन थ्योरी के अलावा हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो ये समझा सके कि कैसे इस यूनिवर्स का जन्म हुआ, और इन्फ्लेशन थ्योरी ये भी अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि हमारा यूनिवर्स कैसे एक छोटे से बिंदु से एक कॉस्मिक स्केल जितना बड़ा हो गया। इन्फ्लेशन थ्योरी हमें ऐसे कई सवालों का जवाब देती है जो कि बिग बैंग थ्योरी नहीं दे सकी, जैसे कि यूनिवर्स की शेप पर हुई स्टडीज हमें बताती हैं कि हमारा यूनिवर्स आश्चर्यजनक रूप से फ्लैट है, जबकि ये किसी भी शेप का हो सकता था। अगर ये किसी भी शेप का होता तो हमारी ऑब्जर्वेशन में हमें इसकी शेप का कोई सबूत मिलना चाहिए, जैसे कि अगर ये गोल होता तो हमारी ऑब्जर्वेशन में हमें बेहद मामूली ही सही पर इसके कर्वेचर का कोई सुराग मिलना चाहिए, लेकिन अब तक की हमारी ऑब्जर्वेशन इसे फ्लैट बताती हैं। ऐसा क्यों है, इसका जवाब बिग बैंग थ्योरी के पास नहीं है, पर इन्फ्लेशन थ्योरी इसका जवाब दे सकती है। इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स की कोई शेप हो सकती है, पर इन्फ्लेशन के कारण इसका आकार हमारी ऑब्जर्वेशन की सीमा के कंपैरिजन में इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि आज के समय में इसकी शेप को ऑब्जर्व कर पाना बहुत मुश्किल है।
ये कुछ उसी तरह से है जैसे कि हमें अर्थ फ्लैट नजर आती है, जबकि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। ये फ्लैट हमें इसलिए लगती है क्योंकि अर्थ के साइज की तुलना में हमारा आकार बहुत छोटा है और हमारी अर्थ को ऑब्जर्व करने की सीमा इतनी कम है कि हम इस कर्वेचर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स इतने लार्ज स्केल पर फैला हुआ है कि उसके कर्व को ऑब्जर्व कर पाना हमारे लिए बेहद मुश्किल है। यही कारण है कि साइंटिफिक रिसर्च में प्राप्त डेटा यूनिवर्स के आकार को फ्लैट बताता है। इसी तरह मैग्नेटिक मोनोपोल्स की गैर मौजूदगी का जवाब भी हमें इन्फ्लेशन थ्योरी से मिलता है। हमारी थ्योरीज हमें बताती हैं कि बिग बैंग से पैदा हुई एक्सट्रीम हीट में मैग्नेटिक मोनोपोल्स बनने चाहिए, लेकिन आज तक की हमारी ऑब्जर्वेशन में हमें इनका कोई भी सुराग नहीं मिला है। मोनोपोल्स का मतलब है ऐसी मैग्नेट जिसमें एक ही पोल हो। हमारे यूनिवर्स में हमें डायपोल मैग्नेट्स तो मिलते हैं जिनमें नॉर्थ और साउथ नाम के दो पोल्स होते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैग्नेट नहीं मिलता जिसमें एक ही पोल हो, जबकि ऐसा होना असंभव नहीं है। हमारी थ्योरीज इसे अलाउड करती हैं। इन्फ्लेशन थ्योरी हमें बताती है कि हमारे यूनिवर्स में मोनोपोल्स की डेंसिटी इस तेज इन्फ्लेशन की वजह से कम हो गई और समय के साथ ये इतनी कम हो गई कि अब इन्हें डिटेक्ट करना हमारे उपकरणों के लिए बेहद मुश्किल है। इसके साथ ही यूनिवर्स की होमोजेनिटी का जवाब भी हमें इन्फ्लेशन थ्योरी से मिलता है। हम जहां तक भी देखते हैं हमें हमारा यूनिवर्स काफी यूनिफॉर्म दिखाई देता है। यही चीज हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में भी पता चलती है। CMBR में टेम्परेचर डिफरेंसेस बेहद मामूली हैं, जो कि यह बताता है कि हमारा यूनिवर्स हर जगह एक जैसा है। इन्फ्लेशन थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स चूंकि शुरुआती दौर में एक तेज विस्तार से गुजरा था, जिसकी वजह से जो डिफरेंसेस थे वो स्मूथ आउट हो गए। इसे कुछ ऐसे समझिए जैसे किसी बैलून को तेजी से फुलाना, जिसकी वजह से उसके रिंकल्स स्मूथ हो जाते हैं। पर अब सवाल उठता है कि इन्फ्लेशन थ्योरी हमें यूनिवर्स के जन्म और उससे पहले की तो जानकारी देती है, पर आखिर हमें इस पर विश्वास क्यों करना चाहिए और ये दूसरी थ्योरी से किस तरह अलग है? क्या वैज्ञानिकों के पास इन्फ्लेशन थ्योरी के सच होने का कोई सबूत है? तो दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इन्फ्लेशन थ्योरी के सही होने की तरफ इशारा करती हैं। हमारे यूनिवर्स में जब इन्फ्लेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तब हमारे यूनिवर्स की उम्र मात्र 10^-36 सेकेंड्स थी और ये इन्फ्लेशन का प्रोसेस 10^-32 सेकेंड्स तक चला। इस दौरान हमारे यूनिवर्स का आकार पहले से 10^26 टाइम्स बड़ा हो गया। इतने कम समय में हुए इस तेज विस्तार के कारण यूनिवर्स को हर तरफ यूनिफॉर्म होना चाहिए, और जैसा कि हमने पीछे समझा था ऐसा है भी। लेकिन फिर भी जब हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पर गौर करते हैं तो इसमें हमें छोटे छोटे एनर्जी रिपल्स के रूप में कुछ नॉन यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है, जिसे इन्फ्लेशन थ्योरी के अलावा किसी और तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, वैज्ञानिकों का यहां पर कहना है कि ये छोटे छोटे एनर्जी रिपल्स यूनिवर्स में मौजूद उन क्वांटम फ्लक्चुएशंस या वर्चुअल पार्टिकल्स के फुटप्रिंट्स हैं जिनका आकार पहले माइक्रोस्कोपिक लेवल पर था, पर इन्फ्लेशन के कारण इनका आकार बढ़कर आज कॉस्मिक स्केल तक पहुंच गया है। इसके अलावा कई और बातें हैं जो इन्फ्लेशन थ्योरी को एक विश्वसनीय थ्योरी बनाते हैं। दोस्तों, ये एक इकलौती थ्योरी है जो हमारे यूनिवर्स से पहले क्या था और हमारे यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ, इन सब सवालों का एक साइंटिफिक और विश्वसनीय जवाब देने की कोशिश करती है। लेकिन ये थ्योरी अभी अपने शुरुआती दौर में है। हम पक्के तौर पर कह सकें कि बिग बैंग का कारण यही था, इसके लिए अभी हमें थोड़े से और सबूतों की जरूरत होगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।